नूडल्स खाने थे और वो हमने बनाए नहीं। तो ये मेरी मामा की रेसिपी है जो कि मैं आपको बताने लगी हूँ। मुझे ये नहीं पता मामा कैसे बनाती हैं, नहीं मामा ओट्स बनाती हैं जो कि बहुत मज़े के बनाती हैं। तो ये इसमें ओट्स मैंने लिए हैं, स्टील कट ओट्स हैं ये, और ये इसमें अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इस, और इसमें मैं एक कप दूध डालने लगी, बल्कि एक कप नहीं आधा कप दूध डालूँ। फिर जब ये एक बॉयल आएगा और उसको हम छोड़ देंगे, फिर सारा दिन जो है ये सॉफ्ट रहेगा और सुबह इसकी क्या शक्ल बनेगी मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये सुबह हो गई है और हमारे नाश्ते की तैयारी हो रही है। आप देख सकते हैं ये मैंने इसको एक पानी और थोड़े से दूध में बॉयल किया था, तो कितना सा फिर सारी रात ये पड़ा रहा, तो कितना ज़्यादा क्रीमी हो गया है ये हमारा ओट मिल। अब इसमें मैं डालूँगी क्या क्या ये आपको एंड रिजल्ट पे पता चल जाएगा, ठीक है। ओके जी, ये देखें हमारा ज़बरदस्त किस्म का हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। जो ये वाला जो है ना, इसमें कम कैलोरीज हैं क्योंकि इसमें ओट्स मैंने कम डाले हैं, वॉलनट्स कम डाले हैं। पहले मैं बताती हूँ इसमें मैंने डाला क्या क्या है, ठीक है। इसमें मैंने एक बनाना डाला छोटा, ठीक है। इसमें मैंने 3 स्ट्रॉबेरीज डाली हैं, थोड़ी सी ब्लूबेरीज डाली हैं, 1 अंजीर डाली है और 3 वॉलनट्स हाफ्स जो होते हैं ना वो डाले हैं। तो इसमें टोटल जो कैलोरीज बनी हैं वो हैं 450, बल्कि 400 टू 450 होंगी कैलोरीज इसके अंदर। इससे ज़्यादा नहीं होंगी, मे बी कम हो लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होंगी। और ये जी है इमरान का, और इसमें मैंने इमरान में ओट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और मतलब मेरे से डबल हैं, और बनाना है, 4-5 स्ट्रॉबेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं, 6-7 वॉलनट्स हैं, 2 अंजीर हैं। तो ये ऑलमोस्ट कोई 600-550 कैलोरीज का होगा। और ये हमारा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट है क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है वो फुलिंग होना चाहिए। जो ओट्स हैं उसमें फाइबर होता है, और फ्रूट्स तो वैसे ही आपको पता है फ्रूट्स तो सबसे बेस्ट हैं, और नट्स भी। और ये आप बना के खाएं और आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह 4-5 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी और मज़ा भी आएगा। और कितना कलरफुल सा ब्रेकफास्ट है। और ये आप अपने माँ पेरेंट्स को बना के दें, आप अपने बच्चों को बना के दें, खुद खाएं। और ये नहीं कि वेट लॉस के लिए, आप सिर्फ हेल्दी ईटिंग के लिए आप ये खाएं तो वैसे आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे आपकी बॉडी को। चलें जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।